हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, मैं भी ठीक हूँ, मस्त। मैं अपने बालों को वॉश कर रही हूँ इस वक्त, और किससे वॉश कर रही हूँ ये भी आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसमें है आंवला, रीठा, सिकाकाई एंड मुलेठी पाउडर। इन सभी को मैंने इस कफ में डाला हुआ है। अब मैं इसको भिगा करके इसमें रीठे की मात्रा को मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, वो इसलिए कि बालों में लेदर अच्छे से बन पाए। तो रीठा मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही डाला है ताकि अच्छे से झाग बन पाए। वैसे तो मैंने ऑयलिंग की नहीं, बस बिना ऑयल किए हुए बालों में ही मैं इसे लगा रही हूँ ताकि इसका लेदर अच्छे से बने और बालों की सफाई अच्छे से हो जाए। वैसे आप अपने बालों पे इसे लगाएंगे, ऑयली बालों पे भी लगाते हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि आपके बालों से ऑयल छूटा या नहीं छूटा। आपके बाल साफ हो जाते हैं, स्कैल्प साफ हो जाती है, ये मायने रखता है। आप नेक्स्ट दिन अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं अगर ऑयल नहीं निकलता है तो। आपको अपने बालों की जड़ों में इसे ही यूज करना है जब भी आप शैम्पू करते हैं। तो ये एक नेचुरल शैम्पू है और मैं पूरे बालों में अपने बालों की जड़ों से लेकर के सिरों तक शैम्पू को लेकर के आती हूँ, इस तरीके से शैम्पू करती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है और इससे हमारे बाल टूटने का खतरा नहीं रहता है। जब भी हम ये आंवला, रीठा, सिकाकाई को अपने बालों पर लगाते हैं तो हैवी फील होता है और बाल बहुत थिक लगते हैं। मेरे बाल तो ऐसे ही लगते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके बालों में ये कैसा लगता है कि आपके बाल जब भी वॉश करते हो थिक लगते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे थिक लगते हैं, तो आराम आराम से आपको हेड वॉश करना है। ज़्यादा आपको बालों को बहुत तेज़ी से नहीं साफ करना है, तो हल्के हाथों से करना है। अब मेरे बालों को तो आदत हो गई है, मैं होम रेमेडी से मैंने अपने बालों को इतना मजबूत कर दिया। मैं किसी तरीके से कपड़े की तरह मैं वॉश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सिर्फ होम रेमेडी के कारण मेरे बाल इतने हेल्दी और मजबूत हैं। तो आप भी जो जो मैं रेमेडी और ऑयल शेयर करती हूँ उसे यूज करिए, आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे कि इससे हमारे बालों में बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ा। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं मुझे कि हमारे बालों में आपके जो भी रेमेडी यूज की है आपकी, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो उससे मेरे को खुशी होती है। तो गाइज, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए, मेरा तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें, पूरा वीडियो भी नहीं है बालों को वॉश करने में। तो आप देख लीजिए, मुझे बाल वॉश करने में या बालों की देखभाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, उल्टा मुझे अच्छा लगता है अपने बालों की केयर करना। तो ये हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी मैं केयर करती हूँ और इसी से महिलाओं की शोभा है, इसलिए मैं इसकी केयर करती हूँ, मैं बालों की केयर करती हूँ, ये मेरी पहचान है। तो अच्छे तरीके से मैं बालों को वॉश कर लूँगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और आपको मेरा